आदाब नमस्कार सत श्री अकाल टू एवरीवन, वेलकम टू DSCG होम क्लासेस। और हम क्लास 10th में प्रोज का सेक्शन कंप्लीट किया है। कल हमने पोइट्रिक डिवाइस किए थे क्योंकि हमने बोला था आपको कि पोइट्री हमने सेक्शन को अभी कवर करना है। तो आज जो हम जो सबसे फर्स्ट पोयम क्लास 10th की है उसको कवर करने जा रहे हैं। और ये पोएम्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, जब ये लिखते हैं तो हमेशा ये जो पोएम्स होती हैं इनकी जो राइटिंग होती है दिल पे बैठती है हम सब लोगों के। हमने क्लास 9th में भी एक पोएम पढ़ी थी अल्लामा इकबाल की, जो आप 3rd-4th से ही प्रेयर पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ। तो वो क्लास 9th में आपके इंक्लूड थी एक पोएम और जो प्रेयर था। और इसमें जो क्लास 10th में जो हमारा सबसे फर्स्ट पोएम है वो भी एक दुआ है। तो आज हम देखते हैं कि वो किस तरीके से आज हमारा पोइट जो है अपनी दुआ को रखता है। और हमारा जो दिन होता है, सुबह होती है, शाम होती है, तो दुआ से ही शुरू होती है, दुआ से ख़त्म होती है। तो आज हम भी दुआ करते हैं कि जो पोइट ने फरमाया है वो सच हो जाए। तो हमारा जो जो पोइट है जी ए महजूर, तो हमारी जो पोएम है आज वो है प्रेयर। और ये प्रेयर पोएम जो है ये कश्मीरी में लिखी गई थी जी ए महजूर द्वारा, और इसको जो है ट्रांसलेट किया है प्रोफेसर जी आर मलिक ने इंग्लिश में। तो अभी महजूर कौन है? पीरजादा गुलाम अहमद महजूर पॉपुलरली नाउन एज शेर ए कश्मीर द पोइट ऑफ कश्मीर वॉज बॉर्न इन मैत्री गांव पुलवामा इन ऑन 1st August 1887। बहुत पुराने हैं, ठीक है। कश्मीरी लैंग्वेज में बहुत सारी पोइम्स इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारा योगदान इनका है कश्मीरी लैंग्वेज में और पोइट्री में खास तौर से, ठीक है। तो ये जो है कश्मीरी पोइम ये ट्रांसलेट की प्रोफेसर जी आर मलिक ने। और कश्मीरी में जो इसके शब्द ऐसे हैं, साहिब सात छुम चौनोई चौनोई वत में असल छावतम कोत काला रोज बेजान जैन हंद मस छावतम। तो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या जो कश्मीरी समझते हैं कि क्या इन्होंने बोलने की कोशिश की है। तो साहिब मीन्स गॉड लॉर्ड। तो इन्होंने ये अपने लॉर्ड पे, भगवान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और हमें भी एक गाइड कर रहे हैं इस पोएम के ज़रिए। महजूर वाज हैज़ प्रोफाउंड कॉन्फिडेंस इन द पावर एंड सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। He believes that the salvation of a man from a wide range of troubles and challenges in is conceivable just when one would dedicate himself to God. कि जब इंसान, कोई इंसान अपने आप को पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित कर दे भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, तो उसको जो है कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। He demonstrates this soul and dedication in these verses. तो यही जो चीज़ें हैं इसने अपनी वर्सेस में, अपनी इस पोएम में, साहिब सात छुम चौनोई वत में असल छावतम, तो इसमें इसने बताने की कोशिश की है। दिस पोएम इज एड्रेस टू गॉड द पोइट मेक सर्टेन विशेज बिफोर द अलमाइटी। तो ये कुछ जो पहली लाइन, पहला स्टंजा है, ओ लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट। क्या बोलते हैं? लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट। दो चीजें यहां पर बोलते हैं। लॉर्ड तुम क्या हो मेरे लिए? उम्मीद भी हो और भरोसा भी हो, ठीक है। लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। तुम मेरे लिए क्या हो? होप हो, होप मतलब उम्मीद। मुझे उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि, हमें उम्मीद है कोरोना खत्म हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, हमें उम्मीद है कि हम स्कूल खोलेंगे और स्कूल में बैठ के पढ़ेंगे। ट्रस्ट क्या है यानी उम्मीद में क्या है? उम्मीद में क्या है कि हो सकता हो भी नहीं सकता, ठीक है। ट्रस्ट क्या है कि जब पूरा 100% कॉन्फिडेंस हो। तो लीड मी, तो बोलता है तुम ही मेरी उम्मीद भी हो, भगवान से बोलता है कि तुम ही मेरी होप भी हो, उम्मीद भी हो और ट्रस्ट भी हो, यानी उम्मीद भी हो, आशा भी हो और ट्रस्ट भी हो, विश्वास भी हो। लीड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ, और मुझे कहाँ ले जाओ, यानी दुआ क्या मांगता है, यानी मांगता क्या है? सच्चाई, मुझे सच्चाई के रास्ते पर ले जाओ, मुझे सच्चाई के रास्ते पे ले जाओ। हाउ लॉन्ग शाल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस,
मैं बड़ी देर से इस अज्ञान में पड़ा हूँ, यानी लाइल्मी में पड़ा हूँ, अज्ञानता में पड़ा हूँ, पावर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज, और मेरे ऊपर नॉलेज की वर्षा कर दो। अब देखिए ये पॉइंट जो इतना बड़े सतर का है वो अभी भी बोल रहा है कि मैं इग्नोरेंस में हूँ, मेरे ऊपर नेक्टर ऑफ नॉलेज कर दीजिए, मेरे ऊपर ज्ञान, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे इल्म दीजिए, मुझे इल्म से नवाजिए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना डीप थॉट इस पॉइंट की थी। लैंड ईयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज, अब सुनो, यानी खुदा को बोलता है, भगवान को मुखातिब होकर बोलता है क्या, कि अपने जो कान हैं मेरी वेलिंग्स और जो मेरी प्लीज हैं, मेरी जो रिक्वेस्ट हैं, मेरी जो परेशानियां, मेरी जो फरियाद है उनको सुनो। क्या बोलता है, लैंड ईयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज, मेरी फरियाद, मेरी रिक्वेस्ट इनको सुनो। क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेन्स, मेरे दुख और तकलीफों को, उनको इलाज करो, उनको मुझे, उनसे मुझे, उनका मुझे इलाज करो, क्योर करो। बी काइंड ईच मोमेंट टू, और बोलता है क्या, हर वक्त मेरे ऊपर मेहरबान रहना। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, लेट मी नेवर फील इन वांट, और बोलता है कि मुझे कभी वांट में नहीं डालना, वांट मतलब डिजायर में नहीं डालना कि ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। जब इंसान की डिजायर बढ़ जाती है तभी उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए पहली तीन चार लाइनें क्या बोलता है, पहली लाइन बोलता है लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, मेरी ऊपर मुझे कहाँ ले जाओ, ट्रूथ के ऊपर ले जाओ। दूसरी लाइन में क्या बोलता है, ड्वेल हाउ लॉन्ग शाल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, तो बोलता है कि मैं इग्नोरेंस में कब तक रहूंगा, तो मुझे क्या दो, नॉलेज, ठीक है। यहां पर बोलता है होप एंड ट्रस्ट मुझे दो, मुझे चलाओ ट्रूथ पे। फिर बोलता है वेलिंग एंड प्लीज मेरी सुनो, और इल्स एंड पेन से मुझे इलाज करो। बी काइंड, मेरे ऊपर मेहरबान रहो, और मुझे फील वांट में मत डालो, मुझे डिजायर में मत डालो, ठीक है। मैं और ज्यादा तमन्ना ना करूं क्योंकि वहीं से मुसीबत की जड़, मैं और लालच ना करूं वही तो मुसीबत की जड़ है। और फिर बोलता है सेव मी फ्रॉम, मुझे तीन चीजों से बचाओ, तीन चीजों से मुझे बचाओ। खुदा को बोलता है तीन चीजों से, खुदा मुझे तीन चीजों से बचाना, कौन सी, स्लॉथ, इन्फॉर्मिटी एंड डाउट्स। अभी स्लॉथ क्या होता है, लेजीनेस, यानी कि दिल ना करना, जो आलस करना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लेजीपन होना इंसान के अंदर। तो बोलता है लेथार्जिक होना, ऐसी मेरे अंदर ये नहीं रखना, लेजीनेस नहीं रखना, लेजीनेस नहीं रखना, मैं एक्टिव रहूं। इन्फॉर्मिटी से मुझे बचाना, किसी भी तरीके की ना एहली से मुझे बचाना, किसी भी, वो गरीबी भी हो सकती है, वो जिस्मानी भी हो सकती है, वो दिमागी भी हो सकती है, तो किसी भी तरह की इन्फॉर्मिटी से मुझे बचाना, किसी भी तरीके से डाउट से मुझे बचाना, शक से मुझे बचाना, दैट मीन्स कि कन्फ्यूजन से मुझे बचाना, मुझे पूरा नॉलेज देना, ठीक है। सब चार्ज माई हार्ट, अब बोलिए तीन चीजों से मुझे बचाना, स्लॉथ, इन्फॉर्मिटी एंड डाउट, और तीन चीजें मुझे देना, सब चार्ज माई हार्ट, तीन चीजें, पैशन, जेस्ट एंड होप, उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद मतलब क्या, कि मैं कभी हिम्मत ना हारूं, हमेशा उम्मीद रखूं कि कुछ ना कुछ, जब भी मेरे सामने मुश्किल आए तो मैं उम्मीद रखूं कि कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। तो मेरे अंदर जज्बा हो, पैशन हो, एंथुसियाज्म हो, ठीक है, जेस्ट हो, काम करने की क्या, डेडिकेशन हो, तो वो चीजें, ये तीन चीजें मांगता है, पैशन, जेस्ट एंड होप, तीन चीजों से बचाने के लिए बोलता है स्लॉथ, इन्फॉर्मिटी एंड डाउट। तो खूबसूरत सा ये पहला सा, पहला हमारा जो स्टैंजा है। दूसरा जब स्टार्ट होता तो क्या बोलता है, लेट मी नॉट एवर चांट स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, ये टेल्स है यहां पर, टेल्स, कि मैं कभी चांट, चांट मतलब क्या होता है, बोलना, सिंग, गाना गाना, ठीक है, कौन से गाने में ना गाऊं, कौन सी कविताएं मैं ना गाऊं, स्लीप इंड्यूसिंग टेल, जिससे लोगों को नींद आई, यानी जिससे लोगों को पैसिमिस्ट, ये मतलब पैसिमिस्टिक अप्रोच मेरी ना हो, यानी नेगेटिव अप्रोच मेरी ना हो, हमेशा पॉजिटिव मेरी अप्रोच हो, यानी ऐसी बात करूं जिससे लोगों में जान आए, ना कि लोगों को, लोग सुस्त पड़ जाएं, लोग हौसला हार जाएं, ऐसा मैं ना गाऊं, ऐसे गीत मैं ना गाऊं, ऐसी कविताएं मैं ना गाऊं। लेट मी सिंग सॉन्ग, यहां पर सिंग द सॉन्ग, लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू द डेड, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं ऐसे गाने गाऊं जो मुर्दे में भी जान डालें, विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू डेड, यानी जो मुर्दे में जान डालें, वो अब ये मुर्दे में कोई जान थोड़ा डाल सकता है, लेकिन जो इंसान हिम्मत हार चुका हो ऐसे में उसको बोलूं ताकि उसकी हिम्मत बढ़े और वो आगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके।
लेट मी सिंग अपडेट विच इंस्पायर पीपल विद लव, दो चीजें बोलता है, एक विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू द डेड, जो मुर्दे में जान डाले, और दूसरी चीज बोलता है विच इंस्पायर पीपल विद लव, जो लोगों को प्यार करने में आपस में मोहब्बत से रहना से सिखाए, और तीसरी चीज बोलता है एंड कॉज ऑल बिटरनेस एंड हेटेड टू विनिश, और जितनी भी कड़वाहट है, जितनी भी नफरतें हैं, वो सब वेनिश हो जाएं, वो गायब हो जाएं, वो खत्म हो जाएं। तो आप देखिए इसमें क्या बोलता है, इस वाले स्टेंजा में पहले बोलता है स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स में ना गाओ, फिर बोलता है मैं गाऊं क्या, तीन तरह के गीत ये गाना चाहता है, ठीक है, ये तीन तरीके के गीत गाना चाहता है। अब ये कौन कौन से, एक लाइफ इन टू डेड विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू डेड, जो लोग मुर्दे में जान डाले, विच इंस्पायर पीपल विद लव, जो लोगों को मोहब्बत से रहना सिखाए, और तीसरी चीज ये बोलता है विच एंड ऑल बिटरनेस एंड हेटेड, जितनी भी कड़वाहट है, जितनी भी नफरत है, वो सारी वैनिश हो जाए, फिनिश हो जाए। तो ये तीन चीजें जो है वो इस तरह के गीत वो गाना चाहता है। अब उसके बाद नेक्स्ट में हम जाएंगे, वी ब्रॉट मी टू ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज, यू ब्रॉट मी टू ब्लूम, मुझे ब्लूम क्या होता है, जब ये फ्लावर जब ब्लूम करना शुरू कर देता है, तो अर्लीस्ट जो वर्नल ब्रीज है उसके साथ ही मुझे भी खिलाना, यानी ये नहीं वेट कि मैं वेट करता रहूं, क्योंकि इसके हेडिंग मैंने रखी है पोइट सेज ही कैन नॉट वेट, वो इंतजार नहीं कर सकता कि नहीं जी बस आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों का, नहीं, बोलता मुझे वेट करना ही नहीं है, जब भी अर्लीस्ट जो सबसे पहली जो बहार होगी उसके साथ मुझे भी खिला देना, ब्लूम कर देना, लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विदर मी टू ग्रे। अब क्या बोलता है यहां पर, बर्निंग हीट ऑफ समर यानी कड़कती धूप से मैं सफेद ना हो जाऊं, मैं मतलब थक ना जाऊं, उसका मतलब क्या है, जब मेरे ऊपर मुसीबत आ जाए, यहां पर इसको फिगरेटिव, ये फिगर ऑफ स्पीच, फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते ना कि जब बोलते कुछ है मतलब कुछ और होता, तो यहां पर क्या बोला है कि ऐसे मैं रहूं कि जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो मैं हारूं ना, मैं उस मुसीबत के सामने ना हारूं, विदर मीट ग्रे, इसका मतलब कि मैं सफेद ना हो जाऊं, उसका मतलब कि मैं जब भी मुसीबत आए मैं हारूं ना, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शाल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द डॉन, क्योंकि ड्यू तभी चमकता है जब उसके ऊपर सूरज की किरण पड़ती है, तो बोलता है मैं वो भी वेट नहीं करना चाहता कि सूरज चढ़ेगा तो मैं खिलूंगा, उसका मतलब कि कोई बनेगा उसकी रहमत मेरे ऊपर पड़ेगी, अरे भाई मैं खड़ा होना चाहता हूं, मैं खुद खड़ा होना चाहता हूं, मैं खुद खड़ा होकर कुछ करना चाहता हूं, मैं दूसरे के रहमो करम पे रहना नहीं चाहता, इन फॉर्म आई एम अ मैन, ऐसे तो शक्ल से मैं इंसान दिखता हूं, ये हम सब के लिए बोलता है कि हम सब इंसान की शक्ल में हैं, लेकिन हम इंसान नहीं हैं, फेयर फ्रॉम ह्यूमैनिटी, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, सब्जेक्ट मी नॉट अप टू ट्रायल्स, मेरे और इम्तिहान मत लो, उसका मतलब मेरे सामने भगवान को मांगता है लॉर्ड सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, मुझे और इम्तिहान मत लो, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि जितने भी इम्तिहान होते हैं तो मेरी ह्यूमन फॉर्म जो है वो शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि मैं उन इम्तिहानों में आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, यानी वो जब मैं इम्तिहान लेता हूँ तो तू मुझे इम्तिहान लेता तो मैं चोरी भी कर लेता हूँ, मैं झूठ भी बोल देता हूँ, मैं सारे गुनाह कर लेता हूँ, तो वो क्यों, वो उससे क्या होता है, मैं अपनी इंसानियत जो है शर्मसार होती है, forsaken by men am I, सब ने मुझे भुला दिया, एंड दे सो दे कॉल मी महजूर, और मुझे कहते हैं महजूर, पीपल में डेजर्ट में, लोग मुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये बोलता है, यहाँ पर एक इशारा देता है, जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है बहुत सारे लोग उसे नाराज होते हैं, बट यू डू नॉट अबंडन मी लॉर्ड, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं होना मेरे परमात्मा। तो दिस समरी इज एड्रेस टू गॉड, दिस पोएम इज एड्रेस टू गॉड, इन दिस पोएम द पोइट इम्प्लोर्स हिज लॉर्ड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ, ही हैज बीन सिंस लॉन्ग पास्ट dwelling in the house of ignorance, so he request his lord to power upon the nectar of knowledge. तो same poem को अगर आप समझे होंगे तो वो वाली लाइन में आपने याद रखनी है, he wants his lord to be receptive to his wailings and pleas and give him rid of all ills and pains, he implores him to be always kind to him so that he will never feel himself in want, infirmity and doubt and surcharge his heart, क्योंकि तीन चीजों से ये बोलता है मुझे बचा, sloth, infirmity and doubt, और तीन चीजें बोलता है मुझे दे पैशन जस्ट एंड होप।
फिर बोलता है द पोइट बैग्स हिज लॉट कि मुझे जो है स्लीप इंड्यूसिंग टेल ना गाऊं तो कौन से गाऊं, विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू डेथ, विच इंस्पायर पीपल विद लव, विच रिमूव ऑल द बिटरनेस एंड हेट। तो ये तीन चीजें के गाने वो गाना चाहता है। और फिर क्या बोलता है, मैं जो है वेट नहीं करना चाहता, मुझे फर्स्ट वर्नल ब्रीज के साथ जो खिलना है, मैं सूरज की पहली किरण का इंतजार नहीं, ही वॉन्ट्स टू बी अवेकेंड विद फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ डॉन, वेट नहीं करना चाहता। ठीक है, द पोइट ऑल्सो इम्प्लोर्स हिज लॉर्ड नॉट टू पुट हिम टू हार्श टेस्ट, सख्त इम्तिहान मुझसे मत लो और मेरी ह्यूमन फॉर्म को शर्मिंदा मत करो, द पोइट हैज ऑलवेज फेल्ट बीइंग डेजर्टेड बाय द पीपल सो ही इम्प्लोर्स हिज लॉर्ड नॉट टू डेजर्ट हिम, तुम मुझसे दूर मत होना। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, पार्ट टू इसका हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है आपके लिए समरी आप इस पोएम की लिखेंगे क्लास 9th के बच्चे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।